Yani ki human beings अपना खाना कैसे खाते हैं, फिर कहां से जाता है, cells तक कैसे पहुंचता है, फिर cells से energy कैसे release होती है. समझ में आ रहा है? उसके बाद बेटा, तो इंसानों में बहुत सारे सिस्टम होते हैं, आपको तो पता होनी चाहिए बेटा, आपने क्लास 7th में भी इस चीज को पढ़ा होगा. बट आज मैं बेटा आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूं, इंसान में बेटा जो कुछ सिस्टम्स होते हैं जो आपको क्लास 10th में पढ़ने हैं, वो बेटा मैं आपके सामने शो कर रहा हूं. मेरे पास बेटा ये है ह्यूमन टॉर्सो, आप देख सकते हैं बेटा इसमें बहुत सारे सिस्टम्स हैं. बट इस लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में बेटा जो हमने सिस्टम्स कुछ पढ़ने हैं, वो पहला है बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम. आप देख सकते हैं बेटा, देखिए अगर इंसान की जो बॉडी है बेटा, देखिए इंसान की बॉडी तो हमने इसको फ्रैगमेंट किया है. ये जो यहां से जो पहला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, इसमें भी दिखाई दे रहा है, यहां गर्दन जहां खत्म होती है वहां से लेके बेटा यहां नीचे तक, इसको तो रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं. रेस्पिरेटरी सिस्टम में बेटा ये लंग्स आते हैं, आप लंग को देख सकते हैं बेटा, ठीक है ना. रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स आते हैं, और बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम जहां खत्म होता है वहां से लेके बेटा यहां तक नीचे तक बेटा कौन सा सिस्टम आता है? डाइजेस्टिव सिस्टम आता है. इस तरह बेटा पीछे इस डाइजेस्टिव सिस्टम के थोड़ा नीचे से बट बैक साइड से बेटा एक और सिस्टम होता है जिसको बेटा हम बोलते हैं, हां यूरिनरी सिस्टम भी वहां पे पाया जाता है, और वहां पे बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम भी होता है. बट बेटा हमारा इस टॉपिक में जो कोर मकसद रहेगा, जो सबसे डीप जिस पे हमने बेटा बात करनी है, वो है बेटा फिलहाल डाइजेस्टिव सिस्टम. अब बात को बेटा अच्छे से समझिएगा, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें सबसे पहले बेटा हमें डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में पता होना चाहिए. हमें तो ऑर्गन्स के बारे में पता होना चाहिए. ये जो आपने खाना खाया, ये पहले आपने माउथ में डाला, फिर बेटा मैं आपको बताऊंगा फेरिंग्स में जाता है, फिर बेटा फूड पाइप में जाता है, फिर स्टोमक में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है बेटा, उसके यानी कि ड्यूडेनम में जाता है, जूजेनम में जाता है, इलियम में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और रेक्टम एनस में जाता है. तो बेटा ये ढेर सारी चीजें मैं आपको इसी बेटा टॉर्सो, ह्यूमन टॉर्सो में प्रैक्टिकली दिखाऊंगा. बट आप बेटा यहां पे नजर रखिए, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले हमें बेटा जरूरी पता होना चाहिए डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स क्या क्या हैं. तो बेटा आज मैं आपको वही डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स बेटा यहां पे प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूं. समझिएगा बात को बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पहला पार्ट है बेटा, देखिए एक्चुअली बेटा हमने डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसके हमने बेटा दो पार्ट्स निकाले. कितने पार्ट्स निकाले? बोलिए ना, कितने पार्ट्स निकाले? दो पार्ट्स. तो बेटा